नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है 5 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 5 जुलाई से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर बनता है उसकी एक शॉर्ट डिटेलिंग वीडियो। तो इसमें टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके डिस्कस किए जाएंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता हासिल कराने में मददगार साबित हो सकती है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आयमन बेनावर्दारमन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हमारे हाल ही में अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अल्जीरिया के बारे में अगर कहा जाए तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है। अल्जीरिया की करेंसी अल्जीरियन दीनार है। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अले मजदीद टेब्बे ओने हैं। अल्जीरिया के प्रधानमंत्री जो हाल ही में बने हैं ये आयमन बेनावर्दारमन बने हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो टॉप 5 देशों के जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं या फिर हैं वर्तमान में, तो उनके बारे में भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो केपी शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नेपाल के। मारिया द्रागी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इटली के। नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इजराइल के। फियामा नाओमी मताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इस समोआ के नई प्रधानमंत्री बनी है, इसलिए याद रखिएगा, जो कि पहली महिला है। अनातोले कोलिनेट माकोसो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कांगो के बने हैं, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन, जो कि हमने आपसे पूछा था, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो टॉप 5 बदले गए नाम जो कि अभी हाल ही में हुए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कोनूल हवाई अड्डे का नया नाम ओयाल बाड़ा नरसिम्हा रेड्डी कर दिया गया है। रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अब शोएब अख्तर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल जंक्शन कर दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश की रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो ये 3 जुलाई को मनाया गया, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्लास्टिक से होने वाले नुकसान और इसके बढ़ते हुए प्रयोग को रोकने के लिए हर साल 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूरोपीय संघ यानी कि कहा जाए जीरो वेस्ट यूरोप द्वारा वर्ष 2008 से शुरुआत की गई, और वो भी अंदरूनी तौर पर की गई थी, जिसके बाद में विश्वभर में प्रसारित किया गया। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक जो एक बार यूज होते हैं को समाप्त करना इसका मुहिम का लक्ष्य है, अगर कहा जाए इसका लक्ष्य। तो पिछले करंट अफेयर का रिविजन भी कर लेते हैं, जो हमने आपको डे और उनकी थीम बताई थी, तो उसके बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेशण दिवस प्रतिवर्ष 16 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी रिकवरी एंड रिलायंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी रीस्टोरेशन लैंड रिकवरी बी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस प्रतिवर्ष 18 जून को मनाया जाता है। विश्व औषधीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष 18 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है, RBC से रिलेटेड है। शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल, जिसमें RBC के सेल का शेप चेंज हो जाता है। कल्पना चावला, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? तो पहली थी कल्पना चावला, दूसरी हो जाएंगी सरिसा बंदला, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कल्पना चावला के बाद अब एक और भारत की बेटी ऊंची उड़ान भरने जा रही है। अमेरिका अंतरिक्ष कंपनी वर्जिन, अगर कहा जाए कंपनी का नाम, तो वर्जिन गैलेक्टिक के रिचर्ड ब्रेंसन और उनके साथ भारतवंशी सिरसा बांदला भी उड़ान भरेंगी। सिरसा बांदला भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिला हैं जो अंतरिक्ष का सफ़र करने जा रही हैं। अगर पहला पूछा जाए तो सभी को पता है कल्पना चावला। सिरसा कहाँ की हैं? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली हैं। अब अंतरिक्ष से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं।
तो स्पेस में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। स्पेस में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो वैलेंटिना टेरेस्कोवा। स्पेस में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो राकेश शर्मा। स्पेस में पहुंचने वाली या अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति तो यूरी मेलेनचोको, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तीरथ सिंह रावत की जगह किसने ली है। तो ये उत्तराखंड के राज्य में हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे तो लिखा ही गया है, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी बने हैं, जो कि हमने कल के करंट अफेयर में आपको करवा दिया था। तो यहाँ पर टॉप 5 राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा, नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी से हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, यानी कि इंडियन ओशियन नेवल सिंपल्सन IONS 2021 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने या किस देश की नौसेना ने की है? तो ये फ्रांस का हो जाएगा। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण, कहा जाए कौन सी संगोष्ठी हो रही थी, 7th एडिशन यानी 7वें संस्करण की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा रीयूनियन द्वीप पर की गई है। तो कहा जाए किस द्वीप पर, तो यूनियन द्वीप, याद रखिएगा। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण फ्रांस में 1 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। 28 जून से 1 जुलाई तक द्विवार्षिक कार्यक्रम की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा लॉ रीयूनियन द्वारा की गई। तो कहा जाए कितने दिनों में होता है, तो प्रत्येक 2 सालों में होता है, 2 साल के अंतराल में। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी क्षेत्रीय रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग, क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के जैसे प्रसंग समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुला और समावेशी मंच प्रदान करेगा। सदस्य राष्ट्रों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग भी इससे बढ़ेगा। टॉप 5 जो सम्मेलन हुए हैं उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन सा देश 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन, जिसे AMER 9 के नाम से जानते हैं, इसकी मेजबानी करेगा? तो ये भारत हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिबाटेक सम्मेलन 2021 के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका सम्मेलन हुआ है फ्रांस पे। 31वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया, ब्रिटेन में। और वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने किया है, कौन सा देश करेगा, तो ये इटली ने की है हाल ही में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेंस पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखी है? तो ये धवल कुलकर्णी द्वारा लिखे थे। तो यहाँ पर टॉप 5 बुक एंड ऑथर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हब्बा खातून पुस्तक काजल सूरी द्वारा। माई सन्स एंड सोरो एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड पुस्तक डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा। द 7 साइन ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक ताहिरा कश्यप खुराना द्वारा। बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम विष्णुपद सेठी द्वारा। और द स्वीटनेस ऑफ बटर पुस्तक नाथन हैरिस द्वारा लिखित है। ये 5ों के पानों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिस्की ब्रांड जॉनी वॉकर के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में टिम फिलिप्स जॉनसन बने हैं। तो टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो डेविड मैकम। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ई स्पोर्ट प्रीमियर लीग ESPL के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? टाइगर श्रॉफ। IOC के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु। और ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो कि नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना। इन सारे फैक्टरों को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी कंपनी दुनिया का पहला प्लाज्मिड DNA वैक्सीन
जैकोब डी को लॉन्च करेगी। तो ये जाइडस केरला द्वारा लॉन्च की जा रही है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जाइडस केरला के इंडियन ड्रग रेगुलेटर से प्लाज्मिड डीएनए कोविड 19 वैक्सीन के इस्तेमाल होने की अनुमति मांगी है। अगर जाइडस केरला इस वैक्सीन की मंजूरी मिल जाती है तो कंपनी सालाना 10 से 12 करोड़ डोज तैयार करेगी। जैकोब डी प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। प्लाज्मिड इंसानों में पाए जाने वाले डीएनए का एक छोटा सर्कुलर हिस्सा होता है। ये वैक्सीन इंसानों की बॉडी में सेल्स में या सेल्स की मदद करने से कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन तैयार करेगी। इससे बॉडी को कोरोना वायरस के अहम हिस्सों की पहचान करने में मदद मिलेगी। ये वैक्सीन सिर्फ वयस्कों के लिए नहीं बल्कि 12 से 18 वर्ष के आयु के किशोरों को भी दी जा सकती है। अब यहाँ पे दुनिया का पहला जो चीज़ें हैं, फैक्ट है इम्पोर्टेंट, उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? तो कामी रीता शेरपा बने हैं। 12 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये कनाडा बना है। मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बनाया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम। कौन सा देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला देश अरब देश बन गया है? तो यूएई। किस देश में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है? तो ये नॉर्वे में खोला गया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। 3 जुलाई 2021 को लुडविग गटमन की 122वीं जयंती मनाई गई। इनका संबंध किस खेल से है या फिर इनको किस खेल का जनक माना जाता है? तो पैरा ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है इनको। लुडविग गटमन का जन्म टोस्ट जर्मनी में 3 जुलाई 1899 में हुआ था। अब इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। आयमन बेनावर्दरमन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये अल्जीरिया के बने हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? तो सरसा बंदला बनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है? तो ये उत्तराखंड ने दिया है, उत्तराखंड के सीएम थे पहले। 7वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2021 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये फ्रांस ने की है। नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो धवल कुलकर्णी द्वारा लिखित है। बिस्की ब्रांड जॉनी वॉकर के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो टिम फिलिप्स जोहनसन। कौन सी कंपनी दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन जैकोब डी को लॉन्च करेगी? तो जाइडस कैंडला। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि पहली प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है, तो ये जैकोब डी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, 3 जुलाई 2021 को लुडविग गटमन की 122वीं जयंती मनाई जा रही है, 122वीं, इनको किस खेल का जनक माना जाता है? इनको पैरा ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर सेशन पसंद आए हो, चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।